हमारे गांव में तो योगी जी जाएंगे 100% जीत देंगे भाई। अब हम क्या बोलूं, मोदी जी को आना है 100% आना है। ओवैसी जी हैदराबाद से आके कह रहे हैं कि यहाँ पे तो गुंडा है, उन लोगों का कुछ नहीं, यहाँ कुछ चलने वाला नहीं, चोर चोर लोग हैं वो लोग सब, हम बोलते हैं चोर है सब। यहाँ का आके 4 दिन डांस करके चले जाते लालीपॉप दिखा के, कुछ होना नहीं है यहाँ पे। हजारों मोदी योगी पैदा हो जाएंगे, सनातन संस्कृति बहुत दिन से थी, बहुत दिन से है और बहने वाले बहुत दिनों तक रहेगी। जय श्री राम। सर आपका नाम क्या है? हमारा तो हाजी जलाल जियापुर, हाजी जलाल जियापुर का मैं रहने वाला हूँ। हमारे गाँव में जो है बहुत अच्छा मामला इनका चल रहा है, बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे समझे, सब हमारा भाजपा ही है समझे। जो भी लोग, मैं प्रधान भी हूँ गांव ग्राम जियापुर का, और इलाका में भी जो भी है सब इन्हीं का चर्चा है। कहने वाली बात तो बाहर से आते आए हुए लोग आके डांस करके चले जाते हैं ये वो करके, लेकिन वो कुछ नहीं करते। लेकिन हमारा जो मौजूदा विधायक है राजा मंकेश और सरल सिंह, वो बहुत जो है मामला आगे है। बहरहाल इनके आगे किसी के चलेगा नहीं हो, बाकी बात करने के लिए तो कोई कुछ भी बोले वो तो बात की बात है। मैं एक हाजी हूँ, मैं समझता हूँ, और इनके आगे किसी के चलेगा नहीं। और काफ़ी पिछली मरतबा राजा साहब ने 45,000 से जीते, अब की इंशाल्लाह अगर होगा तो 50 के ऊपर जाएंगे, ये हमारा विश्वास है। तो अखिलेश यादव जी और योगी आदित्यनाथ जी और प्रियंका गांधी बाकी सारे उम्मीदवार हैं ये 2022 में मुख्यमंत्री पद की रेस में है, तो आपको क्या लगता है कौन बनेगा मुख्यमंत्री? तो यही योगी जी बनेंगे अच्छे वोटों से जीते, जब अच्छे वोटों से जीतेंगे तो योगी क्यों बनना है, फिर योगी के ही बनना है और कौन आएगा। योगी जी के क्या क्या काम रहे जिन्होंने? काम इन्होंने किया जब से, बहुत सारे काम किया है, और बस यही मैं कहता हूँ। कॉलोनी शौचालय और भी देखिए, राशन गल्ला कितना दे रहे हैं, मामूली फ्री में दे रहे हैं, खाते में पैसा आ रहे हैं सब जो है किसी के वाला, और इनको कोई हराने वाला नहीं है। अब कहने वाली बात कोई भी कुछ कहे, कोई यादव अखिलेश यादव जी तो कह रहे हैं कि इस बार हम 400+ सीट कुछ नहीं, ये तो कहने वाली बात है, वो कहने वाली बात है, हम बता रहे हैं कि बहुत 400 से ही जाएंगे। सर एक चीज कहना चाह रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी से हम एक चीज पूछना चाहते हैं कि जिस शिवपाल यादव की उंगली पकड़ के उन्होंने चलना सीखा, जिनकी गोद में बचपन बीता, जब उनको उन्होंने किनारे उठा के फेंक दिया, अपने पिता मुलायम सिंह यादव को मंच पे धक्का मार दिया अखिलेश यादव ने, तो पब्लिक का क्या साथ देंगे? लेकिन अब वही शिवपाल यादव जी हैं, वो कह रहे हैं कि अब तो वो नेताजी बन चुके हैं। सर वो तो सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है, क्योंकि चुनाव आना है, लॉलीपॉप देना है, पब्लिक से किसी तरह वोट लेना है, जब आपस में खुद ये एक नहीं है तो जनता को क्या एक करेंगे? जय श्री राम। अखिलेश यादव जी अब सवर्णों की रैली कर रहे हैं, ऐसा क्यों? कुछ नहीं सब दिखावटी कुछ नहीं, बस ये आप बताएंगे मोदी जी को आना है 100% आना है। ओवैसी जी हैदराबाद से आके कह रहे हैं कि यहाँ पे तो गुंडा है, उन लोगों का कुछ नहीं, यहाँ कुछ चलने वाला नहीं, चोर चोर लोग हैं वो लोग सब, हम बोलते हैं चोर है सब। यहाँ का आके 4 दिन डांस करके चले जाते लालीपॉप दिखा के, कुछ होना नहीं है यहाँ पे समझे। मुख्यमंत्री जो है योगी तो कहते हैं बाबा जी के राज में अल्पसंख्यक काफी परेशान है, क्या कहेंगे? कोई परेशान नहीं है, कोई परेशान होता तो यहाँ क्यों आता आदमी? अगर परेशान होता तो क्यों आता, इतनी जो है जनसभा पर लगी, कहीं जाने का रास्ता नहीं है, वहाँ जा मौके पे पहुँच नहीं पाएंगे हम लोग, लेकिन ठीक है समझे क्या? तो क्या आप योगी जी को आपने हमें बताया कि आप प्रधान भी हैं यहाँ के, वर्तमान के यहाँ प्रधान, तो आपके गांव में क्या बातचीत चलती है? हमारे गांव में तो योगी जी जाएंगे 100% जीत देंगे भाई, अब हम क्या बोलूं भाई, हमारा आपका आशीर्वाद है? आशीर्वाद तो फुल है, अभी तो मैं आया हूँ, चलने को नहीं आता लेकिन मैं चला आया हूँ, डुलुकते हुए अब 3 जगह पर रुका हूँ तो यहाँ पहुँचा हूँ 3 जगह, लेकिन जाऊँगा। और हमारे मंकेश और शरण सिंह को कम से कम 50 के ऊपर जीतेंगे हम अपने जो है, इसका चैलेंज करता हूँ मैं। हाँ अब हाँ ये बात है, और तो सब धन्यवाद। अरे अखिलेश यादव जो ओवैसी आए उन्होंने कहा कि योगी जी जब मठ में चले जाएंगे और जब योगी प्रधानमंत्री जी पहाड़ों में चले जाएंगे, फिर कौन बचाएगा हिंदू?
अरे भाई योगी जी तो बैठे हैं, मोदी जी योगी जी उनके आगे कौन है यार, ये सब फालतू बात कोई भी करे समझे, उनके अलावा जिंदाबाद। हम एक बात बोलता हूँ वही बात बोल रहा हूँ, कोई नहीं, ये फालतू लोग हैं अवस्थी पार्टी जितने समझे के, ये बात है बस, और ठीक है जैसा भी है बेरा। आप क्या कह रहे थे? हजारों मोदी योगी पैदा हो जाएंगे, सनातन संस्कृति बहुत दिन से थी, बहुत दिन से है और आने वाले बहुत दिनों तक रहेगी। जय श्री राम, जय श्री राम। क्या कहते हो ये जो हवा देख रहे हो, आज जो भीड़ देख रहे हो रैली में, इससे क्या आंधी है भाई साहब? हमारी अभी पुलिस वालों से बात हो रही थी, एक पुलिस वाले ने कहा कि मुझे 25 साल नौकरी करते हुए हो गए, इतना बड़ा रैला मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखा, ये रैली नहीं ये तूफान है, और आने वाले चुनाव में क्या होने वाला है उसका ये परिणाम सामने आपके दिखाई दे रहा है। और उत्तर प्रदेश में दोबारा से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने जा रही है 350 सीटों के साथ में, 350 सूपड़ा साफ है विरोधियों का, भारतीय जनता पार्टी की ही। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कह रहा मोदी की रैली में सरकारी आदमी किराए पे आ रहे हैं। देखिए ऐसा है, ये सब उनकी बिल्कुल अलग तरीके की बातें हैं, अब वो बौखला गए हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अब कहना क्या है। ये जन सैलाब, इतना बड़ा जन सैलाब में इतना बड़ा उत्साह, जो नौजवानों का उत्साह है मैंने देखने को अपनी जिंदगी में कभी नहीं। ये कह रहा है कि वो अपने आप आदमी नहीं आ रहे रैली में, वो लाए जा रहे सरकारी आदमी मुलाजिम। आप क्या करते हो भैया? मैं जी स्टूडेंट हूँ फिलहाल। तो बीजेपी की आदमी सरकारी आदमी हुए अपना आगे को हो जाएंगे, लेकिन इस सरकार में ही बन जाएंगे। उसकी नाक भी तिरछी, युवाओं का तिरछी। आज युवाओं के लिए समर्पित कार्यक्रम था, आप क्या कहते हो युवाओं की वोट किधर जाएगी? युवा की वोट टोटल बीजेपी क्यों जाएगी? किसी को नहीं जाएगी। हमारे ऑप्शन में बीजेपी के लोग है नहीं, बीजेपी के अलावा हमारा कोई ऑप्शन नहीं, कोई ऑप्शन नहीं। बाकी युवाओं का क्या कहते हैं? बाकी युवाओं को बीजेपी, योगी और मोदी दोनों को लाएंगे, योगी मोदी को लाएंगे। कि जो जैन चौधरी है, जो उनके आदमी है, कहना टुट्टी नाव में सवार कर रहे हैं, तो बीजेपी उन्हें किसने लिया? अखिलेश यादव को। उसकी तो सरकार बनने की नहीं, उसके साथ और मिल गया, गई उसकी भी। अब बीजेपी की यानी आंधी अगर तूफान आओगा यही बनेगी, सिर्फ बीजेपी कोई नहीं बने। जयंत चौधरी के पक्ष में कितने लोग हैं ऐसे जाट बहुल एरिया में? अभी जाट के आए थे मुजफ्फरनगर के, उन्होंने कहा कि भाई बिल्कुल बेवकूफ है जो जाट उनका जयंत चौधरी का साथ दे रहे या अखिलेश यादव का साथ दे रहे, हम तो बीजेपी को ही साथ दे। क्या कारण है आज जो सरकार के काम अच्छे हैं, सरकार अच्छी है, गुंडा राज खत्म करते जी। हाँ, जयंत चौधरी के साथ क्यों नहीं जा रहे? नहीं जा रहे, भविष्य चाचा मोदी को दे लो, हम चाचा को जानते हैं। सुनो भाई, ठाकुर अजय पवार ग्राम कोट का इसलिए साथ नहीं जा पा रहे कि 2013 का मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, जट्टों के साथ हुआ था, वो खुद भी जाट था। जेल में ठाकुर संगीत से गए थे और सुरेश राणा गया था ठाकुर का, जब कहा था वो जेल कहा था, जो अपने जाट का नहीं हुआ मरा क्या हो जाएगा मेरे वो। 2013 के दंगे में सचिन और नाम के तो जाट मारे गए थे, जेल में ठाकुर संगीत सो में सुरेश राणा गए थे, जब जयंत कहा था। मैं बताना चाहता हूँ सर, जयंत चौधरी के साथ में कोई क्यों नहीं जाना चाहता या कोई क्यों नहीं खड़ा होना चाहता? क्योंकि उनके साथ में रहकर उस आदमी का भविष्य ही काला होगा, क्योंकि उनका खुद का कोई भविष्य नहीं है, कितने दिन चलेगा कितने दिन नहीं चलेगा तो वो उनका कुछ कह नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी है वो युवा किसान के लिए, युवा जिंदाबाद। राकेश टिकैत का क्या फैक्टर है? उनका कोई प्रभाव नहीं है यहाँ पे, कोई दुष्प्रभाव नहीं है, किसी का कोई अच्छा प्रभाव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उनका कोई नामो निशान ही नहीं है। क्या नाम है जी आपका? गौरव भारद्वाजी। क्या मूड है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का? बहुत बढ़िया, मोदी योगी जिंदाबाद, और कोई है ही नहीं टक्कर में दूर तक भी। इस रैली से कुछ फर्क पड़ेगा? अरे फर्क पड़ रहा, बहुत बढ़िया वाला। यूनिवर्सिटी से क्या फर्क पड़ेगा इस क्षेत्र में, क्योंकि यूनिवर्सिटी यहाँ खोली है, क्या सोच के? खेल का सबसे बड़ी बात मेरे में खेल का टोटल सवाल बनता है, खेल से ही यूनिवर्सिटी होगा, लोगों को युवाओं को जोश आएगा, उत्साह बढ़ेगा बहुत ज्यादा। आपका क्या नाम है? ठाकुर शेखर पंडीर। इस क्षेत्र में गन्ना एक विशेष बात है, आप क्या कह रहे हैं, क्या हवा है? अच्छी हवा है, और जो हमारा गन्ना है वो भी अच्छा जा रहा है, पेमेंट भी बहुत अच्छे से आ रहा है, पहले से ज्यादा टाइम टू टाइम पेमेंट आ रहा है, सब चीज बहुत ही अच्छी, और किसानों को बहुत ही अच्छा काम मिल रहा है, बहुत ही अच्छा पेमेंट। पहली सरकार में
किसानों को पेमेंट भी अच्छे से नहीं मिल पा रहा था, कुछ भी नहीं मिल पा रहा था, अब तो किसान भी खुश हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितनी भाजपा की बढ़त आएगी, कितनी सीट आएंगी, क्या यह 350 प्लस आएंगी? हाँ जी, और ये पक्की बात है 350 प्लस आएंगी और योगी जी ही आएंगे।